बेटे आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टैक्सेशन की इस क्लास में सीए इंटर लेवल पर जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स या सीएमए या सीएस में जो पूछा जाता है उसको हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर 115 JEE, JC एंड JD, ये सेक्शंस हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा इसमें। टॉपिक का नाम है आज हमारे ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। एक्चुअली में हम रेट ऑफ टैक्स की ऑलरेडी 3 क्लासेस आई थिंक कर चुके हैं, ये उसी की सीरीज में क्लास है। और ये ICI के मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 8 गिवन है, ग्रॉस टोटल इनकम का, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल, उसी के अंदर ये टॉपिक गिवन है। ये टॉपिक है क्या, इसको शॉर्ट में हम AMT भी बोलते हैं, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। सेक्शन 115 JEE सबसेक्शन 1 लिखिएगा बेटा। ये सेक्शन बताएगा 115 JEE सबसेक्शन 1, ये सेक्शन आपको बताएगा कि ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट किस पर एप्लीकेबल होता है। ये कॉन्सेप्ट पिछले 5-6 साल में ही रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब ज्यादा पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट है जो आप सीए फाइनल लेवल पर पढ़ेंगे, मैट, यह है AMT, और सीए फाइनल के लेवल पर बेटा आप स्टडी करेंगे मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ये पढ़ेंगे आप सीए फाइनल में, जो कंपनीज पर एप्लीकेबल होता है। तो अब मैंने आपको बता दी बात, कंपनी को छोड़कर बाकी जितने भी असेसी हैं, इंडिविजुअल, HUF, सॉरी पार्टनरशिप फर्म, उन सब पर AMT का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। तो AMT का कॉन्सेप्ट किस पर एप्लीकेबल है लिखिएगा बेटे। दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल, और देखिए जो हमने लास्ट हेड पढ़ा है PGBP, दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ एनी पर्सन अदर देन कंपनी। तो बेटे हम ये बोल रहे हैं आपसे, गुड मॉर्निंग स्पर्श भाई, कि ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट सभी प्रकार के असेसीज पे लगता है एक्सेप्ट कंपनी। वाई? क्योंकि कंपनी पर एक अलग से कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, एंड यू विल स्टडी इन योर फाइनल लेवल्स। इंटरमीडिएट लेवल पर अभी मैट का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो कंपनी के बारे में पूछा भी नहीं जाएगा। और ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स सभी प्रकार के असेसी पे लगता है एक्सेप्ट कंपनी, इंडिविजुअल पर लगता है, HUF पर, फर्म पर, एटसेट्रा। इसमें AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन सब आ गए, सब पर लगता है।
दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ एनी पर्सन अदर देन कंपनी हु हैज क्लेम्ड. बेटे इन असेसीज पर भी तब लगेगा जब उन्होंने क्लेम की हो. क्या क्लेम की हो? डिडक्शन. डिडक्शन क्लेम की हो. इट मींस इंडिविजुअल एचयूएफ और फर्म आर टू बी कवर्ड अंडर सेक्शन 115 JEE सबसेक्शन 1 इफ दे क्लेम डिडक्शन. जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, हु हैज क्लेम्ड डिडक्शन अंडर अंडर नंबर वन अंडर एनी सेक्शन इन हेडिंग सी ऑफ चैप्टर 6A एक्सेप्ट एटीपी. बेटा अब आपको यह पता होना चाहिए ना, हेडिंग सी ऑफ चैप्टर 6A में कौन कौन से सेक्शन आएंगे? बोलो हां या ना. मतलब ये क्या कह रहा है? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट उन असेसीज पर एप्लीकेबल होगा जिन्होंने चैप्टर 6 के हेडिंग सी की डिडक्शंस को क्लेम किया है फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम. इफ एन इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म अदर देन द कंपनी हैज क्लेम्ड एनी डिडक्शन अंडर हेडिंग सी ऑफ चैप्टर 6A इन ऑर्डर टू कंप्यूट टोटल इनकम देन सेक्शन 115 JEE सबसेक्शन 1 इज एप्लीकेबल ऑन दैट एसएससी. आर यू गेटिंग इट? नाउ वी मस्ट नो व्हाट आर द सेक्शंस व्हिच आर कवर्ड अंडर हेडिंग सी ऑफ चैप्टर 6A. देयर आर मेनी सेक्शंस व्हिच आर कवर्ड अंडर हेडिंग सी ऑफ चैप्टर 6A. सम आर कवर्ड अंडर कोर्स ऑफ इंटरमीडिएट लेवल एंड सम आर कवर एट फाइनल लेवल. हमें पूरी लिस्ट मालूम होनी चाहिए. मैं लिखवा देता हूं. यहां पे जो सेक्शंस हैं वो हैं बेटे 80IA टू 80IEE. इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं. यू विल स्टडी एट योर सीए फाइनल लेवल. These sections are not at intermediate level. और इसीलिए मैंने बेटे आपको deduction में पढ़ाया भी नहीं. Even deduction के chapter में CA inter level पर note mention है कि these section will be discussed at final level. 80IA to 80IE ATJJA 80LA, 80M, 80PA, 80P. ATJJAA. वी हैव स्टडीड दिस सेक्शन अंडर डिडक्शंस. हमने पढ़ा था कि अगर एक मैन्युफैक्चरर अपने यहां वर्कमैन रखे तो जो भी वेजेस देगा अगले 3 वर्षों तक उसको उस वेजेस का 30% डिडक्शन मिलेगी. आप डिडक्शन का चैप्टर निकालिए और देखिए सेक्शन. लास्ट में कराया होगा बेटे मैंने. निकालो, सब निकाल लो बेटे सेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है. ये तीनों सेक्शन जो मैंने ब्लैक कलर के पेन से लिखे हैं, ये तीनों सीए इंटर लेवल पर हैं. और
और ये डिस्कस किए जाएंगे सीए फाइनल लेवल पर। बेटे यहां से लेकर यहां तक जो सेक्शंस होते हैं वो चैप्टर 6A की हेडिंग सी में कवर है। पहले ये बात क्लियर है बेटे? बताओ चैप्टर 6A की कोई पूछे हेडिंग सी में कौन से सेक्शन से? बेटे ये सेक्शन है सामने, बोलो बच्चों, ठीक है ना? इसमें से इस पर तो सेक्शन 115 JEE सबसेक्शन 1 इज नॉट एप्लीकेबल ऊपर बोल दिया गया है, देख सकते हो आप। कहा है हु हैज क्लेम डिडक्शन अंडर एनी सेक्शन इन हेडिंग सी ऑफ चैप्टर 6A एक्सेप्ट ATP। मतलब अगर कोई ये वाली डिडक्शन लेता है, ये डिडक्शन लेता है, इन सेक्शंस में से कोई भी डिडक्शन अगर लेता है SSC इनमें से, तो उसके ऊपर AMT का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। अगर कोई भी कंपनी को छोड़कर जितने भी प्रकार के SSC हैं वो यहां से लेकर यहां तक कोई भी डिडक्शन देते हैं उनके ऊपर AMT का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। मगर ये जो हेडिंग सी है ना, इसमें एक सेक्शन है ATP। अगर कोई ATP की डिडक्शन लेता है तो AMT का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए हमने यहां लिखा एनी सेक्शन इन हेडिंग सी। हेडिंग सी के ये सेक्शंस हैं ऑफ चैप्टर 6A एक्सेप्ट ATP। इट मींस इफ एन इंडिविजुअल इज क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन ATP ही इज नॉट सब्जेक्ट टू ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ऑल दो सेक्शन ATP इज कवर्ड अंडर हेडिंग सी ऑफ चैप्टर 6A। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलो बच्चों, सभी लोग बोलिए। चलिए अब ये जो सेक्शन है बेटे, ये वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो 6 सेक्शन हैं ये सीए फाइनल के लेवल पर हैं और हमारे कोर्स में बस ये हैं 7, 8, 9, ये सीए इंटर लेवल के कोर्स में। तो हमारे यहां एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो इन 3 सेक्शंस को लेके पूछा जाएगा। ATJEE मैन्युफैक्चरर को डिडक्शन मिलती है, QQB और RRB ऑथर और पेटेंट रॉयल्टी के लिए मिलती है, आप चेक कर सकते हैं डिडक्शन के चैप्टर में। अंजन, एम आई राइट? ठीक। तो यहां से लेके यहां तक ये 9 डिडक्शंस हैं, इनमें से ATP को छोड़कर अगर कोई भी डिडक्शन कोई असेसी क्लेम करता है ही इज सब्जेक्ट टू ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हु हैज क्लेम डिडक्शन अंडर एनी सेक्शन, ये सेक्शन नंबर 2। सेक्शन 10AA, ये स्टडी किया है आपने क्लास में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला सेक्शन है कि एक्सपोर्ट करने पर फर्स्ट 5 ईयर तक 100% प्रॉफिट की डिडक्शन मिलती है, नेक्स्ट 5 ईयर 50% प्रॉफिट की डिडक्शन मिलती है, एंड फर्दर 5 ईयर के लिए अगर आपने एक रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया हो तो 50% डिडक्शन मिलती है। आपने पढ़ा है ना बेटा ये? और एक आपने ये भी पढ़ा है PGBP के चैप्टर में, सेक्शन 35AD। अब मैं आपको इन शॉर्ट बोलता हूं, सेक्शन 115 JEE सबसेक्शन 1 इज एप्लीकेबल ऑन दोज असेसीज हु हैज क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन हेडिंग सी ऑफ चैप्टर 6A, सेक्शन 10AA डिडक्शन और सेक्शन 35AD डिडक्शन। बताइए कौन सी वाली डिडक्शन है बेटे? स्पेसिफाइड बिजनेस के रेस्पेक्ट में डिडक्शन मिलती है, बोलो बेटा। तो कोई पूछेगा आपसे ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स किस पर लगता है, बताओ किस पर लगता है? बोलना, कंपनी को छोड़कर हर प्रकार के एसएससी पे लगता है अगर उसने 3 में से कोई भी एक डिडक्शन लियो। तीनों लियो तो कोई बात नहीं है, 2 लियो तो एक भी डिडक्शन लियो तो सेक्शन 115 JEE सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल होगा। कौन कौन सी डिडक्शन बेटे, बोलो एक बार जरा सब लोग। चैप्टर
सिक्स ए का हेडिंग सी की डिरेक्शन, एक्सेप्ट एटीपी, सेक्शन 10AA और सेक्शन 35AD, इन तीनों में से अगर किसी भी इंडिविजुअल ने, एचयूएफ ने, फर्म ने, कंपनी को छोड़कर किसी ने भी डिरेक्शन दी हो, तो वो असेसी अंडर सेक्शन 115JEE सबसेक्शन 1 कवर होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, एक जेएफके हम यहां लिखेंगे जिसको अभी हमारे समझ में नहीं आएगा, आगे समझ में आएगा, वो लिख लीजिए यहीं पर, प्रोविजन ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स आर नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल और एचयूएफ। फर्म के बारे में बात नहीं है यहां पर, यह पॉइंट सिर्फ और इंडिविजुअल और एचयूएफ पर है। Who opted concessional rate of tax under section 115 BAC। ये सेक्शन हमने अभी नहीं पढ़ा है हमारे कोर्स में, बस यही सेक्शन अभी पेंडिंग है, ये लास्ट सेक्शन होगा हमारे कोर्स का। ये एक स्पेशल स्कीम आई है टैक्स पे करने की, रेट ऑफ टैक्स की, जो स्लैब रेट अभी लगते हैं आपके 2.5 लाख तक टैक्स नील, 5 लाख तक 5%, 10 लाख तक 20%, उसके ऊपर 30%, वो लॉ के कंपैरिजन में एक लॉ और आया है जो आपने सुना भी होगा, उसको हम कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स कहते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ एसएससी उन कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स से अंडर सेक्शन 115 BAC अपना टैक्स पे कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, तो उसके ऊपर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, ये था 115JEE सबसेक्शन 1। नाउ सेक्शन 115JEE सबसेक्शन 2, प्रोविजन ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के लिए एक कंडीशन तो ये हो गई कि आपने चैप्टर 6A के हेडिंग सी की कोई डिडक्शन क्लेम की हो, एक्सेप्ट एटीपी, सेक्शन 10AA की डिडक्शन क्लेम की हो और सेक्शन 35AD की डिडक्शन ली हो, तीनों में से कोई एक डिडक्शन भी आपने ली है, तो आपके ऊपर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स लगेगा। वो तो एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन यहां पर है, लिखिएगा, प्रोविजन ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स would not be applicable नहीं होंगे, good afternoon, to an individual HUF AOP BOI whether incorporated का मतलब है registered, incorporated or not, or artificial judicial person, provision of AMT एप्लीकेबल नहीं होंगे इन एसएससी पर इफ
एडजस्टेड टोटल इनकम। अच्छा देखिए, ये वर्ड भी बहुत बार आ चुका है अभी तक हमारे कोर्स में, एडजस्टेड टोटल इनकम आया या नहीं? एक तो दो डायरेक्शन में आया था, ATG में और एक ATGG में, डोनेशन वाली डायरेक्शन है ना, और एक अभी हमने पढ़ा था पार्टनरशिप फर्म के लिए बुक प्रॉफिट, वो भी एक तरीके की एडजस्टेड इनकम थी। और कहाँ पढ़ा था हमने एडजस्टेड इनकम के बारे में? HRA कोई एडजस्टेड थोड़ी है, वो तो डिडक्शन की कैलकुलेशन है। नहीं, तो वो तो ATGG है ना बेटे, रेंट की जो डिडक्शन होती है। हाँ, इफ एडजस्टेड टोटल इनकम, ये एडजस्टेड टोटल इनकम जो अभी आपने एडजस्टेड टोटल इनकम पढ़ी है इससे पहले, उसके जैसी नहीं है, थोड़ी अलग है। इफ एडजस्टेड टोटल इनकम लेस देन और इक्वल टू 20 लाख, क्या मतलब हुआ इसका? क्या हम ये मीनिंग निकाल सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल HUF पर या अदर SSE पर AMT का प्रोविजन तभी लगेगा जब उनकी एडजस्टेड इनकम 20 लाख को क्रॉस करे? बोलो यस और नो। मतलब अगर उनकी एडजस्टेड इनकम 20 लाख से कम होगी तो उनके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हमें समझ में आना चाहिए एडजस्टेड टोटल इनकम किसे कहते हैं। टोटल इनकम ले लो बस ऐसी की। टोटल इनकम का मतलब ग्रॉस टोटल इनकम होता है या टैक्सेबल इनकम होता है? अब तो आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब है इसमें से सारी डिडक्शन हम माइनस कर चुके होंगे। इसके अंदर तीन चीजें प्लस कर दीजिए वापस, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA ये वापिस ऐड कर दीजिए, डिडक्शन बताइए आप कौन सी करने को कहेंगे ऐड आप? बिल्कुल 35AD। और कौन सी डिडक्शन? डिडक्शन चैप्टर 6A हेडिंग सी। बोलो बेटे। हाँ एक्सेप्ट ATP। अब हमारे यहां तो तीन ही है ना ये वाली डिडक्शन, ATGG AA। हम तो उन्हीं की बात करेंगे ना जो हमारे कोर्स में है, हम फालतू बात ही नहीं करते, कंफ्यूज करेगा वरना। बोलो बेटे। ATGG AA, ATQQB और ATRRB, अगर ये डिडक्शंस हैं तो इनको ऐड बैक कर देना सबको, नहीं है तो मत करना। बोलो हो गया। आपको सेक्शन 35AD के बारे में याद होगा, अभी रिसेंटली आपने पढ़ा है PGBP के चैप्टर में, कि अगर किसी स्पेसिफाइड बिजनेस पर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाए तो उसकी 100% डिडक्शन आपको मिल जाती है अंडर सेक्शन 35AD। एम आई राइट? तो आपने कोई वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर शुगर, सबसे पहले बताइए वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर शुगर इज अ स्पेसिफाइड बिजनेस? यस सर। तो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर शुगर इज अ स्पेसिफाइड बिजनेस। हमने उस पर 1 करोड़ का जो एसेट्स है
उसकी डिडक्शन ली थी सेक्शन नंबर 35AD। सपोज करो उसमें से 50 लाख का प्लांट था और 50 लाख की बिल्डिंग थी, इज इट ओके बेटा? तो हमने यहां 1 करोड़ की डिडक्शन ली थी जब ये इनकम कैलकुलेट की थी, तो वो 1 करोड़ तो वापस हमने ऐड कर दिया एडजस्टेड इनकम निकालने के लिए। बताइए जब सेक्शन 35AD में 50 लाख बिल्डिंग, 50 लाख प्लांट एंड मशीनरी की हमने डिडक्शन ले ली होगी, तो उस समय क्या हमने कोई डेप्रिसिएशन क्लेम किया होगा उसके ऊपर? क्योंकि जिसकी डिडक्शन एसेट्स की सेक्शन 35AD में मिल जाती है उसकी हम पीजीबीपी में डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करते, बोलो। तो यहां पे ये कहा गया है कि जितना अमाउंट आप ऐड कर रहे हैं ना, तो उसमें आइडेंटिफाई करो कौन सी एसेट्स है और उसकी जितनी डेप्रिसिएशन बनती है वो माइनस भी कर देना यहां से। समझ में आ रही कुछ मेरी बात? डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। ये माइनस कर देना, ये कहलाएगी एडजस्टेड टोटल इनकम। क्वेश्चन उठता है कि डेप्रिसिएशन क्या है? इन रेस्पेक्ट ऑफ दोज एसेट्स ऑन विच डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD हैज बीन क्लेम्ड अर्लियर। मतलब 1 करोड़ तो आपने वापिस एड बैक कर दिए, उसमें 50 लाख की बिल्डिंग है और 50 लाख का प्लांट एंड मशीनरी है, तो बिल्डिंग का 10% डेप्रिसिएशन मिलती है और प्लांट एंड मशीनरी पर 15%, तो 50 लाख का 10% 5 लाख और बचे हुए 50 लाख का 15% 7.5 लाख, टोटल हो गया 12.5 लाख। वो माइनस कर देना, मतलब 1 करोड़ ऐड कर देना और उसका जो डेप्रिसिएशन बनता है वो माइनस कर देना। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है? अब आगे चल सकता हूं मैं। अभी बाद में बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है बेटे? अभी सेक्शन है 115JC, सेक्शन 115JC, हमने पढ़ा है 115। बेटे हमने ना 115JEE सबसेक्शन 1, 115JEE सबसेक्शन 2, एक और सेक्शन है 115JEE सबसेक्शन 3, वो हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में लिख लेंगे, पहले हम 115JC लिख रहे हैं। सुनिए क्या है ये सेक्शन, लिखिएगा। इफ इनकम टैक्स पेबल एज पर नॉर्मल प्रोविजंस, नॉर्मल प्रोविजन समझ रहे हैं बेटे मतलब क्या कहने का है मेरा? नॉर्मल प्रोविजन का मतलब है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स को छोड़कर भी, तो आपने इस कोर्स में बहुत कुछ पढ़ा है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी इनकम को कंप्यूट किया जाए और उस पर फिर टैक्स निकाला जाए स्लैब रेट से, स्पेशल रेट से, वो जो टोटल टैक्स आता है आपका, वो जो टोटल टैक्स आपका आता है उसे कहते हैं हम इनकम टैक्स पेबल एज पर नॉर्मल प्रोविजन। इफ इनकम टैक्स पेबल एज पर नॉर्मल प्रोविजन इज लेस देन
इज लेस देन ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, मतलब क्या हुआ? मतलब बेटे ये हुआ कि आप नॉर्मल प्रोविजन से ऐसे एसएससी का जिसने चैप्टर 6A हेडिंग सी और सेक्शन 10AA और सेक्शन 35AD में से किसी की भी डिडक्शन ली है, उस एसएससी का आप नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स निकालिए और अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के प्रोविजन से भी टैक्स निकालिए। अगर नॉर्मल प्रोविजन का टैक्स उसका अल्टरनेट मिनिमम टैक्स से कम बनता है तो उसे अल्टरनेट मिनिमम टैक्स वाला टैक्स पे करना है। देन सच एसएससी हैज टू पे टैक्स एट द रेट 18.5% ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम। और ये जो एडजस्टेड टोटल इनकम जो अभी मैंने बताई थी ना आपको लास्ट पेज पर, उस एडजस्टेड टोटल इनकम पर आप 18.5% के रेट से टैक्स निकाल लीजिए। जो टैक्स बनेगा वो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स बनेगा और उस अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का कंपैरिजन आप नॉर्मल टैक्स से कर लो। अगर नॉर्मल टैक्स अधिक है तो नॉर्मल टैक्स दे दो, अगर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स अधिक है तो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पे कर दो। एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, इनकम टैक्स पेबल एज पर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर एन इंडिविजुअल असेसी is rupees 1 lakh and alternate minimum tax of such assessee under section 115 JC is rupees 1,15,000 determine टैक्स पेबल बाय असेसी। क्वेश्चन सुन लिया बेटा आपने, टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन 1 lakh rupees, टैक्स एज पर सेक्शन 115 JC दैट इज ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स 1,15,000, हेंस असेसी इज लायबल टू पे टैक्स दैट इज रुपीज 1,15,000 हायर ऑफ अबव। बोलो बेटे क्लियर है? जो दोनों में हायर होगा वो टैक्स पे करेगा। हा हाँ ना, मिनिमम मतलब तभी तो कम से कम इतना देना है। मिनिमम का मतलब यही तो होता है, जहां जहां मिनिमम वर्ड होता है वहां हायर ही होता है उसका मतलब। पूरे लॉ में देख लो कहीं पे भी। बस आज आपको समझ में आई है बात, मिनिमम का मतलब यही तो है कि मिनिमम इतना देना है। अगर ये ज्यादा होता तो ये ज्यादा देना होता, तभी तो नाम मिनिमम रखा है बेटे। बच्चा कह रहा है नाम तो मिनिमम है, दे हायर रहे।
बेटे मिनिमम का मतलब ही हायर होता है, कि जैसे मैं नहीं कहता भाई कम से कम तो मैं 10,000 फीस लूंगा, तो इसका क्या मतलब हुआ 11 अगर दोगे तो ले लूंगा या मना कर दूंगा, आप बताइए। अच्छा आप कह रहे हैं 9,000 और मैं कह रहा हूं कम से कम 10,000 लूंगा, तो इसका मतलब मैं कितना लूंगा, 10,000, तो हायर ही तो सिलेक्ट किया बेटे हमने। चलिए अब अच्छा कितना हमने नॉर्मल टैक्स से कितना टैक्स ज्यादा दिया, तो गवर्नमेंट कहती है आप ये मत समझना आपके साथ कोई अन्याय हुआ है, ये जो 15,000 हैं हमारे पास आ गए, फालतू आ गए, एक्स्ट्रा आ गए, नेक्स्ट टाइम जब आप टैक्स पे करेंगे और नेक्स्ट टाइम अगर आपका नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स अधिक बन जाता है नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर आप ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स से टैक्स नहीं देते, नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स देते हैं, सपोज करो 2 लाख रुपए नेक्स्ट ईयर, तो उस 2 लाख में से ये जो 15,000 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स अभी आपने हमें दिया है उसको हम आपको क्रेडिट दे देंगे। बोलो बेटे बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आप कहेंगे फिर फालतू क्यों लिया, बोलो बेटे ये इसलिए है कि ताकि ईयर टू ईयर गवर्नमेंट के पास फंड की जो फ्लुएंसी है, फ्लो है, वो बना रहे, ऐसा ना हो कि किसी ईयर बहुत कम टैक्स कलेक्शन, किसी ईयर बहुत ज्यादा। बोलो बेटे क्यों क्यों कर सकते हैं, कहां मैंने पढ़ा है आपको किसी भी मेथड से टैक्स पे कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर फिर चेक किया जाएगा कि आपका नॉर्मल टैक्स कितना है और अल्टरनेट मिनिमम टैक्स कितना है, अगर नॉर्मल टैक्स अधिक है तो नॉर्मल टैक्स देना है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स अधिक है तो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स देना है। जब तक आप अल्टरनेट मिनिमम टैक्स देते रहेंगे देते रहिए, मान लीजिए इस बार 15,000 अधिक दिया है, अगली बार फिर 15,000 अधिक देते हैं सपोज करो, तो आपका टोटल क्रेडिट 30,000 हो गया, थर्ड ईयर आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। ये कंपैरिजन, ये प्रोसीजर एवरी ईयर एप्लीकेबल होगा। मेरी बात पहुंची आप तक? सेक्शन नंबर 115JD लिखिएगा। सेक्शन नंबर 115JD वेयर एन एसएससी पेड टैक्स एज पर सेक्शन 115JC दैट इज ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स देन such assessee is eligible to avail tax credit, उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। नॉर्मल टैक्स वन लाख रुपीस, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स 1,15,000 रुपीस। अधिक टैक्स पे किया आपने, एक्सेस ऑफ ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स ओवर नॉर्मल टैक्स इज टैक्स क्रेडिट, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का जो एक्सेस है वो नॉर्मल टैक्स से अधिक है, सच असेसी कैन अवेल
टैक्स क्रेडिट ऑफ रुपीज 15,000 इन नेक्स्ट ईयर, इन नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर तभी क्रेडिट मिलेगा जब आप नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स दें। अगर नेक्स्ट ईयर भी आप ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स से ही टैक्स दे रहे हैं तो फिर तो क्रेडिट मिलने का सवाल ही नहीं है, बस क्रेडिट एक्यूमुलेट हो जाएगा, इस ईयर का क्रेडिट और नेक्स्ट ईयर का क्रेडिट। बट नेक्स्ट ईयर अगर आप नॉर्मल प्रोविजन से दे रहे हैं तो क्रेडिट ले सकते हैं। सच एसएससी कैन क्ले अवेल टैक्स क्रेडिट ऑफ रुपीज 15,000 इन नेक्स्ट ईयर इफ ही इज लाइबल टू पे टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन सच एसएससी कैन अवेल टैक्स क्रेडिट ऑफ रुपीज 15,000 इन नेक्स्ट ईयर इफ ही इज लाइबल टू पे टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन। नेक्स्ट ईयर ही क्रेडिट ले लेगा। सपोज ये ईयर वन है मान लीजिए, ये ईयर टू है, यहां पे नॉर्मल टैक्स बनता है इसका मान लीजिए 1,40,000 और ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स बनता है सपोज करिए 1,10,000 सेकंड ईयर में। एक केस ये है, दूसरा केस बेटे ये है, दोनों केस हो सकते हैं नेक्स्ट ईयर, बोलो हाँ या ना, बोलो बेटे। तो इसका टैक्स पेबल क्या होगा बेटे? केस वन में कितना निकलेगा, कौन सा हायर है, नॉर्मल या एएमटी? नॉर्मल। और सेकंड केस में ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, तो यहां पे टैक्स क्रेडिट ले लेना ऑफ ईयर वन, यहां पे टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा क्योंकि यहां पर आप नॉर्मल वाला टैक्स दे रहे हैं, यहां नहीं मिलेगा आपको टैक्स क्रेडिट और टैक्स पेबल ये आ जाएगा 1,25,000, यहां पे टैक्स पेबल 1,60,000 और टैक्स क्रेडिट इन ईयर टू। बेटे यहां तो टैक्स क्रेडिट कुछ नहीं रहा इस केस में, बोलो। और यहां पर 15,000 तो पहले वाला और 20,000 अभी अधिक दे रहे हो, इससे ज्यादा दे रहे हो ना 20,000 रुपये, तो 20,000 तो ये और 15,000 पुराना वाला, टोटल क्रेडिट 35,000 हो गया। बोलो बेटे इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर। एक ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का जो क्रेडिट है वो अगले 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है? अभी रुक जाइए, बस मैं बताता हूं। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्रेडिट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड अप टू 15 असेसमेंट ईयर, 15 असेसमेंट ईयर सक्सीडिंग असेसमेंट ईयर इन विच क्रेडिट बिकम्स अलाउएबल। सर मतलब मान लीजिए क्रेडिट बना है आपका ये 15,000 वाला ईयर वन वाला 2021-22 में, असेसमेंट ईयर 21-22 में, मान लीजिए ये है असेसमेंट ईयर 21-22, तो ये हो गया बेटे असेसमेंट ईयर 22-23। बोलो ये वाला असेसमेंट ईयर छोड़ दो, इसके बाद 15 साल तक क्रेडिट फॉलो कर सकते, क्रेडिट फॉरवर्ड कर सकते, मगर क्रेडिट मिलेगा तभी जब किसी ईयर में आपको नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स देना हो,
हिमांशु भाई, अब पूछिए क्या कह रहे थे। सेकंड केस में किया है, सेकंड केस में। हाँ तो ये तो मैंने दो केस बनाए, दो ईयर नहीं बनाए। मैंने ये कहा है कि अगर ये दो केस बनाए बेटे, दो ईयर नहीं बनाए। मैं भी कह रहा हूं या तो ये सिचुएशन होगी या ये सिचुएशन होगी। ये सिचुएशन होगी तो क्रेडिट यूटिलाइज हो गया, ये सिचुएशन होगी तो क्रेडिट यूटिलाइज नहीं हो पाया। फर्स्ट ईयर का क्रेडिट और सेकंड ईयर का क्रेडिट, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर के बाद 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, सेकंड ईयर वाला क्रेडिट 20,000 का सेकंड ईयर के बाद 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। बोलो बेटे, क्लियर है? हाँ हो सकती है। और बताइए, बच्चे का क्वेश्चन है कि जो टैक्स क्रेडिट है, क्या इससे किसी ईयर की टैक्स क्रेडिट की लायबिलिटी नील हो सकती है? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? लिखिए जरा। एक सेक्शन रह गया था ना 115JEE, वो अब लिख लो। 115JEE सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 तो मैंने करा दिया। अच्छा बताइए, समझ में आ गया ना सेक्शन आपको? चलिए, टैक्स क्रेडिट ऑफ ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स इज अलाउएबल इवन इफ एडजस्टेड टोटल इनकम। अच्छा आप जानते हैं ना बेटे एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है? टोटल इनकम में 3 डिडक्शंस आप एड बैक कर दो, सेक्शन 10AA, सेक्शन 35AD, 80QQB, 80RRB, 80JJAA। सीए फाइनल लेवल पर कुछ और भी डिडक्शंस हैं जो एड बैक की जाती हैं, एंड लेस कर दीजिए उन एसेट्स की डिडक्शन जिन एसेट्स को आपने सेक्शन 35AD में 100% डिडक्शन दी थी, उनकी डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए। जो अमाउंट आएगा वो एडजस्टेड टोटल इनकम होगा। अगर ये एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा है तो ही ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, अन्यथा नहीं होते। अगर किसी एसएससी की एडजस्टेड इनकम आप बताइए 20 लाख से कम है तो क्या उसके ऊपर एएमटी का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? फिर तो वो नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स देगा, और अगर वो नॉर्मल प्रोविजन से भी टैक्स पे करता है तो भी, चाहे 20 लाख से ऊपर हो इनकम या 20 लाख से कम हो, क्रेडिट का बेनिफिट ले सकता है अगर कोई एसएससी नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स पे कर रहा है किसी ईयर में। ओके बेटे, इवन इफ एडजस्टेड टोटल इनकम ट्वेंटी लाख 20 लाख या उससे कम। क्लियर है बेटे? बोलो बेटे। प्रोविजन ऑफ एडवांस टैक्स आपने स्टडी किया है बेटे कोर्स में? ये एडवांस टैक्स आपने स्टडी किया है या नहीं? इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, 234B, 234C, ये भी स्टडी किया है आपने एडवांस टैक्स के साथ? तो एडवांस टैक्स के प्रोविजन और इंटरेस्ट के प्रोविजन दोनों एप्लीकेबल होंगे ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स पर। प्रोविजन ऑफ एडवांस टैक्स एंड इंटरेस्ट आर एप्लीकेबल ऑन एएमटी। सर हम बात नहीं समझे। फॉर एग्जांपल, आपको ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्स देना है, जैसे अभी हमारे एग्जांपल 1 में
ईयर वन में उसको 1,15,000 टैक्स देना था, उसने दिया मगर एडवांस टैक्स नहीं दिया, और वो कहता है मैंने तो एएमटी देना है इसलिए मैंने एडवांस टैक्स नहीं दिया। आप एएमटी दीजिए या नॉर्मल टैक्स दीजिए, अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से अधिक है तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजन लगेंगे, इज इट ओके। और अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं दिया तो 234B और 234C का इंटरेस्ट भी लगेगा, और अगर आपने ITR लेट फाइल की और टैक्स लेट जमा किया आईटी तो 234B 234C का तो इंटरेस्ट लगता है एडवांस टैक्स की वजह से, और अगर आपने ITR को और टैक्स को लेट जमा किया है तो 234A का भी इंटरेस्ट लगेगा, आप ये अवॉइड नहीं कर सकते। आइदर यू आर पेइंग टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन और एज पर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स प्रोविजन, क्लियर है बेटे? ये था हमारा ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। देखते हैं इसका कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन भी करा देते हैं अभी। ऑल दो मैंने लास्ट जो क्लास थी PGBP की उसी के साथ मैंने मर्ज कर दिया था ये चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में अलग से कुछ नहीं है, एग्जैक्टली ये एक चैप्टर है मॉड्यूल 3 में चैप्टर नंबर 8, जो सबका सम अप है जितने चैप्टर आपने अभी तक पढ़े। मैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 पढ़ाने जा रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 11 है पेज नंबर 8.61 पर। मिस्टर एक्स एन इंडिविजुअल सेटअप अ यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन द फाइनेंशियल ईयर 2016-17 फॉर प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन प्रोड्यूस करने के लिए 16-17 में इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इंडस्ट्री को सेटअप कर दिया। ओके, द यूनिट फुलफिल ऑल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 10AA, मतलब 10AA की डायरेक्शन लेने के लिए जितनी कंडीशंस हैं वो इन्होंने फुलफिल कर दी। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1920 ही हैज ऑल्सो सेटअप ए वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। तो बेटे ये तो हो गया सेक्शन 10AA, और ये हो गया आपका सेक्शन 35AD, ये हो गया बेटे आपका सेक्शन 35AD। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इट फुलफिल ऑल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 35AD। कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ वेयर हाउस 75 लाख, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लैंड 10 लाख। 75 में से 10 लाख की डिडक्शन नहीं मिलेगी, 65 लाख की आपको 35AD में डिडक्शन मिल जाएगी। वेयर हाउस ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 एंड द एक्सपेंडिचर 75 लाख वाज कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑन दैट डेट। तो 75 लाख की पूरी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें 10 लाख लैंड का भी है, तो आपको डिडक्शन मिलेगी बेटे 65 लाख रुपीज की, इज इट फाइन? रेलिवेंट डिटेल फॉर द फाइनेंशियल ईयर आर एस फॉलो। प्रॉफिट दिया हुआ है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, एक्सपोर्ट सेल दिया हुआ है, डोमेस्टिक सेल दिया हुआ है, तो टोटल सेल हो जाएगा इन दोनों का टोटल 1 करोड़। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी बिफोर बिफोर कंसिडरिंग डिडक्शन अंडर 35AD, इस 1 करोड़ 5 लाख में से 65 लाख की डिडक्शन ले लेंगे आप, इज इट फाइन? कंप्यूट करना है हमको इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 115JC यानी कि ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी, बोथ एज पर रेगुलर प्रोविजन भी निकालना है एंड एज पर सेक्शन 115BABAC। तो तीन तरीके से निकालना है एक तरीके से, चले करेंगे सेक्शन 115BAC से भी करना है। आइए करते हैं क्वेश्चन, अभी जो क्वेरी है वो बाद में बताता हूं मैं आपको, पहले ये सेक्शन करा दे, क्वेश्चन करा दे। हेडिंग डाल लीजिए फ्रेश पेज पर, पेज नंबर 8.61। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन
हमें इनकम बताना है, पहले हम रेगुलर प्रोविजन से इनकम निकाल लेते हैं इसके। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स ये हम रेगुलर प्रोविजन से निकाल रहे हैं। चलिए दो कॉलम बनाते हैं, बेटे आपको प्रॉफिट दिया हुआ है फ्रॉम यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो यूनिट है उससे प्रॉफिट है 40 लाख रुपए का। इसमें आपको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 10AA, यस और नो। और ये जो डिडक्शन आपको मिलती है, मैं आपको याद करा दूं, जितना आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के यूनिट से प्रॉफिट हुआ है उसमें से प्रोपोर्शनेट डिडक्शन आपको मिलती है इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर। आपका प्रॉफिट है बेटे 40 लाख रुपए का, यस और नो। और आपकी जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है वो 80 लाख है, डोमेस्टिक टर्नओवर 20 लाख है, टोटल टर्नओवर 1 करोड़ रुपए की है। तो हम ये कह सकते हैं 1 करोड़ की टर्नओवर पर इतने का प्रॉफिट है, तो जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है उसका प्रॉफिट कितना होगा। तो ये जो आपको डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 10AA, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, पीजीबीपी का चैप्टर भी स्टार्ट होने से पहले बता दिया है मैंने आपको। तो इस प्रॉफिट में से जो एक्सपोर्ट टर्नओवर के कारण प्रॉफिट हुआ है वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। बताओ इसे समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ। टोटल टर्नओवर 1 करोड़, टोटल प्रॉफिट 40 लाख। 1 करोड़ में जो आपकी एक्सपोर्ट टर्नओवर है, 1 करोड़ में वो 80 लाख है। तो टोटल प्रॉफिट में से जो एक्सपोर्ट टर्नओवर के कारण प्रॉफिट हुआ है वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, और बाकी का जो बैलेंस प्रॉफिट है वो टैक्सेबल हो जाएगी। ये बैलेंस इनकम बची ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट, जो एक्सपोर्ट टर्नओवर के कारण थी वो माइनस कर दी। दूसरा इसका कौन सा बिजनेस है, प्रॉफिट फ्रॉम वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। कितना प्रॉफिट है उससे, क्वेश्चन में गिवन है, उससे प्रॉफिट है 1 करोड़ 5 लाख का। बट इस 1 करोड़ 5 लाख से हमने डिडक्शन नहीं ली है अंडर सेक्शन 35AD, वो भी माइनस कर देते। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड, इज इट ओके बेटा। टोटल कॉस्ट थी 75 लाख जो इसने कैपिटलाइज की थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ये कंडीशन है सेक्शन 35AD की डिडक्शन लेने के लिए कि आप अपने एक्सपेंडिचर को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज कर दो, डिडक्शन मिल जाएगी। इसने क्या किया, लैंड को भी कैपिटलाइज कर दिया। तो लैंड, गुडविल और सिक्योरिटीज जो एडवांस डिपॉजिट होते हैं उनकी डिडक्शन सेक्शन 35AD में बिल्कुल नहीं मिलती। ये कितना प्रॉफिट आ जाएगा बेटे, 40 लाख।
यस और नो? टोटल इनकम आ गई 48 लाख। अच्छा, कोई कैपिटल गेन, सैलरी, अदर सोर्स, कोई और इनकम है इस क्वेश्चन में? नहीं है, नहीं है। कोई डिडक्शन हो चैप्टर 6 की? है, एटीसी से लेकर एटीयू तक कोई भी डिडक्शन है? तो बेटे यही हमारी टोटल इनकम हो गई, यही टैक्सेबल इनकम हो गई, इस पर टैक्स निकाल देते हैं। एस पर स्लैब रेट्स 250 तक नील, देन 12,500, देन 1 लाख, और 10 लाख से ऊपर है 38 लाख। 38 लाख का 30% बताओ। इलेवन लैख 40,000, सबको टोटल कर दो। इसके ऊपर हम ऐड कर देते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, 4% ऐड कर दो। ये हमारी टैक्स लायबिलिटी आ गई, नॉर्मल प्रोविजन से हमारी टैक्स लायबिलिटी आ गई 13,02,600। अब यही टैक्स लायबिलिटी हम अल्टरनेट मिनिमम टैक्स से कंप्यूट करेंगे। करें? ठीक है। अभी रुक जाओ, रुक जाओ, क्वेरी का जवाब दूंगा बेटा, आपकी क्वेरीज का जवाब दूंगा, 2 मिनट रुक जाओ। कंप्यूटेशन ऑफ फर्स्ट, तो एएमटी निकालने के लिए हमें एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी ना? यस नो बोलो बेटे। एडजस्टेड टोटल इनकम एंड ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज में। बेटे हमारी टोटल इनकम तो आ चुकी थी रेगुलर प्रोविजन से, वो ही उठा लो। टोटल इनकम एज पर रेगुलर प्रोविजंस 48 लाख आई थी बेटे, ये दो डिडक्शन लेने के बाद आई थी, उनको वापस ऐड बैक कर दो। ऐड डिडक्शन अंडर सेक्शन 35, नहीं पहले हमने लेस किया था वही ऐड करो। 10AA आई थिंक 32 लाख था, और डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD कितना था उसको भी ऐड कर दो। और ये जो 65 लाख आप ऐड कर रहे हो, इसका बेटा डेप्रिसिएशन भी लो, लेस डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। अच्छा वो था क्या एसेट? वेयर हाउस बनवाया था बेटे आपने, तो मैं बिल्डिंग मान लूं? ऑन बिल्डिंग एट द रेट 10% यूज्ड एज वेयर हाउस, मतलब ये जो डिडक्शन ली थी ना आपने 65 लाख रुपए की, जब ये डिडक्शन ली होगी तो डेप्रिसिएशन तो क्लेम किया नहीं होगा इस पर, तो उस पर अब ले लो आप डेप्रिसिएशन। जिस प्रकार की एसेट है उसका रेट ले लो, हमने बिल्डिंग मान लिया और बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन ले ली 6.5 लाख। ये माइनस करके जो आएगा ये कहलाएगा एडजस्टेड टोटल इनकम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करो क्या ये एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से अधिक है,
मोर देन 20 लाख है? यस सर, यह है 1,38,50,000। इफ इट इज मोर देन 20 लाख, देन असेसी सब्जेक्ट टू ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 115 JC। नाउ ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स कंप्यूट करेंगे, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स एट द रेट 18.5% अंडर सेक्शन 115 JC। निकाल दो बेटे, 1,38,50,000 का 18.5% टैक्स निकाल दो। और बेटे आपने रेट ऑफ टैक्स की क्लास में पढ़ा है, अगर किसी की इनकम 1 करोड़ से अधिक हो और खास तौर पे इंडिविजुअल की, तो 50 लाख के बाद ही उसके ऊपर सरचार्ज लगने लगता है। आप 1 करोड़ से ऊपर इनकम, आप चेक कर सकते हैं रेट ऑफ टैक्स, मैंने शुरुआत में पढ़ाया था कैपिटल गेन के आसपास 15% के रेट से सरचार्ज लगता है, यही लगता है ना? तो ऐड कर दो 15% सरचार्ज, सरचार्ज एट द रेट 15%, ब्रैकेट में लिख दो, सिंस एडजस्टेड टोटल इनकम ग्रेटर देन 1 करोड़। बताओ बेटे 15% कितना आएगा इसका, बताओ बेटे। थ्री थ्री 37 के आगे कुछ और है या एग्जैक्ट 37 आ रहा है? 38 कर देता, टोटल कर दो इसको, टोटल कर दो। इसमें प्लस कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, एट द रेट 4%। निकालो इसका 4% कितना आएगा, टोटल कर दो। ठीक है, बोलो बेटे। अब आप बताइए, जो ये टैक्स आ रहा है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ये हमारे नॉर्मल टैक्स से अधिक है या नहीं? तो इसलिए इसको ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स लायबिलिटी एज पर नॉर्मल प्रोविजन दैट इज रुपीज 13,02,600 इज लेस देन ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स दैट इज रुपीज, राउंड ऑफ करके बेटे इतना आया है। देयरफॉर मिस्टर क्या नाम है, एक्स हैज टू पे टैक्स एज पर सेक्शन 13,02,600, इतना टैक्स देना है। देना देखना नॉर्मल से कितना ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं। नॉर्मल से कितना अधिक दे रहे हैं, 17,02,600
तो वो बन जाएगा इनका टैक्स क्रेडिट। क्लियर है? अच्छा, अभी तो हमें एक बार और बताना है ना टैक्स 115 BAC से। बोलो बेटे। और 115 BAC अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो लिख लो, एक फ्रेश पेज पे लिखना है इसको, यूज पेज को आधे पेज से यूज मत करना वरना फंस जाओगे, फ्रेश पेज यूज करना क्योंकि अभी हमने स्टडी नहीं किया है। ये तीसरा पार्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी बार एग्जाम के लिए, ये जो जुलाई में एग्जाम आ रहा है इसके लिए। और अगर जुलाई में मिस हो गया है ये, नवंबर में इंशाल्लाह आप लिख लो इसके आगे सर्टेन, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। अगर आप देखें तो हमारे पास तीन चीजें हो गई ऐसे लोगों के लिए, रेगुलर टैक्स प्रोविजन, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, और जो नया कंसेशनल रेट वाला आया है फॉर मिस्टर एक्स। एज पर सेक्शन, ये सेक्शन अभी हमने बेटे स्टडी नहीं किया, मगर मैं इसमें आपको एक चीज बता सकता हूं बिना पढ़े हुए। जब आप इस सेक्शन के अकॉर्डिंग टैक्स निकालें, तब भी मैं इतना भी बोल सकता हूं कि आपको ना तो सेक्शन 35AD की और ना सेक्शन 10AA की डिडक्शन नहीं मिलेगी। बोलो बेटे, बात समझ में आ रही है? सेक्शन 115 BAC में भी पढ़ा नहीं है अभी हमने, पढ़ेंगे आगे, बट दोनों में इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। और भी बहुत सारी है BAC की टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, सेक्शन 115 BAC में इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। देखो, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, वो ये अलग है प्रोविजन। ठीक है, एक काम करते हैं, हम इसको फिलहाल कर लेते हैं। टोटल इनकम एज पर रेगुलर प्रोविजन कितना आया था? ₹48 लाख प्लस सेक्शन 10AA डिडक्शन, ये कितनी थी? 32 और डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD, ये दोनों डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगी, बट सेक्शन 35AD पर जो डेप्रिसिएशन बनता है वो मिल जाएगा। आप ये मत समझ बैठना कि ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स में एडजस्टेड इनकम जैसे निकालते हैं वैसा ही है ये, इसमें और भी चीजें हैं जो फिलहाल इस क्वेश्चन के वजह से नहीं एप्लीकेबल हो रही हैं। बोलो बेटे। अभी देखकर तो ऐसा लगेगा किसी भी स्टूडेंट को 115 JC और 115 BAC में इनकम कंप्यूट करने का तरीका एक जैसा है, नहीं, बस इस क्वेश्चन में बाई चांस मैच कर रहा है। हर जगह ऐसा नहीं होगा, इसका जो मेथड है वो बिल्कुल अलग है, मगर इतनी बात है कि ये दोनों की डिडक्शन 115 BAC में भी नहीं मिलती, इसलिए मैं इसको एडजस्टेड इनकम नहीं कह रहा हूं, टोटल इनकम कह रहा हूं एज पर सेक्शन 115 BAC। और इस पर टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलती है? एज पर स्लैब रेट है इस पर भी, बट ये वो स्लैब रेट नहीं है जो आप नॉर्मली पढ़ते हैं, ये स्लैब रेट है अंडर सेक्शन 115 BAC।
ये स्लैब रेट क्या है मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, आपको तब ये बात समझ में आएगी ये स्लैब रेट क्या है। बेटे ये वाले स्लैब रेट हैं, पेज नंबर 8.17 पर दिए हुए, 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लोगा, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 7.5 लाख तक 10%, जबकि नॉर्मली 5 से 10 पर 20% टैक्स लगता है, ये वाला लगेगा। बोलो बेटे लगाएं ये वाला, तो आप अपनी बुक खोल लेना पेज नंबर 8.17 और मुझे बताओ क्या आएगा। 2.5 लाख तक टैक्स नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना, ये तो वैसा ही है जैसे अभी नॉर्मल प्रोविजन था, मगर फिर 5 से 10 का स्लैब नहीं है, 5 से 750 तक है 10%, यानी कि नेक्स्ट 2.5 लाख पर 10% के रेट से 25,000 बनेगा, नेक्स्ट 2.5 लाख पर आई थिंक 15% है, देखना वो 37,500 बनेगा, नेक्स्ट 2.5 लाख पर आई थिंक 20% है, बोलो बेटे वो 50,000 बनेगा, 12.5 लाख के बाद कितना है 15 लाख तक, हाँ 25% है ना, वो 62,500 बनेगा, और 15 लाख के ऊपर कितना है, तो 15 लाख के ऊपर ये जितनी इनकम है उस पे 30% लगा दो, इसमें से 15 लाख माइनस कर दो, 1 करोड़ 23 लाख पर ये बचेगा 50,000, 1 करोड़ 23 लाख 50,000, इसमें से 15 लाख हटा दें तो उस पर 30%, बताओ कितना बनेगा वो, थ्री सेवन। बेटे अब इनको ऐड कर दो, नील से लेके 3705000 को ऐड कर दो, इज इट ओके। इस पर आप सरचार्ज लगाओ क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर इनकम है, 15% के रेट से सरचार्ज लगाओ, बोलो बेटे टोटल कितना आ गया, इस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करिए, वन लैख 79,055 ऐड कर दीजिए, यार अब बताओ नॉर्मल प्रोविजन से अधिक टैक्स है या नहीं है, बोलो बेटे नॉर्मल प्रोविजन से अधिक टैक्स है या नहीं है, तो इसको सेक्शन 115 बीएसी चुनना चाहिए क्या, बोलो बेटे मिस्टर एक्स टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 115 बीएसी इज मोर देन टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन, देयरफॉर ही शुड नॉट ऑप्ट कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 115 बीएसी, इज इट ओके। और इसको 115 बीएसी में नहीं नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग टैक्स निकाले, फिर उसका कंपैरिजन एएमटी से करें, नॉर्मल प्रोविजन और 115 बीएसी में से किसी से भी टैक्स निकालेगा एक अलग बात हो गई,
अब जब ये 115 BAC निकालेगा, अगर निकालता है, अगर ये मान लो यही लेता है, जो असेसी ये वाला प्रोविजन फॉलो करेगा उस पर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। फर्स्ट पेज पे जाके चेक करो, मैंने एक जेएफ के लिखवाया था आपको। आज की क्लास में प्रोविजन ऑफ AMT आर नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडिविजुअल और HEF हु ऑप्टेड कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAC। फिलहाल तो हम मना ही कर रहे हैं, मत करो फॉलो। अगर ये 115 BAC फॉलो करता है तो AMT का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, बट ये तो फॉलो ही नहीं कर रहा, तो इसलिए इसको अल्टीमेटली क्या टैक्स देना पड़ेगा? AMT। देयरफोर मिस्टर एक्स हैज टू पे टैक्स हायर ऑफ फॉलोइंग। नंबर वन, टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन। मैं फिर से पूछता हूं आप लोगों से, अगर ये 115 BAC फॉलो करता तो क्या AMT का कॉन्सेप्ट लगता? ये कितना टैक्स आया था, ये कितना आया था? एंड ही कैन अवेल टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115 JEE सबसेक्शन 3 ऑफ AMT पेड ओवर नॉर्मल टैक्स। कितना बनेगा वो? इन दोनों का डिफरेंस निकाल देना, ये डिफरेंस है इन दोनों का, नॉर्मल टैक्स और AMT का। अगले साल अगर ये नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स पे करता है तो इतना टैक्स क्रेडिट ले सकता है, नहीं करता है AMT से पे करता है तो 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अब पूछिए कोई बात। हाँ अंजन भाई, अब पूछिए। मिस्टर रंजन पूछिए क्वेश्चन। हाँ BAC वाला यार, ये कोई पूछने की बात है? सेक्शन 15 115 BAC में जो कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स है, अगर वो हमारे नॉर्मल प्रोविजन से कम आ जाता, सपोज करो वो आ जाता 8 लाख रुपए, बोलो हम वो पे करते? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का कोई कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। और बताइए, क्लियर है आप लोगों को? ठीक है बेटे, ये सेक्शन में कोई डाउट है किसी को बेटा, मैं पूछ पूछ लो, मैं बता दूंगा आप। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास के लिए बाय बाय। कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटे, आज के लिए बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे।